এখন এখান থেকে রেকর্ড করি। ভুলে যাই রেকর্ড করতে, ঠিক আছে। টকিং জাতি উপর কমজোরি আর থকান কে কারণ নেই কর পাতি, উনকি ইচ্ছা পুরি নেই কর পাতি, ওয়া মুঝে বুরা লাগতা হ্যায়, ঠিক আছে। হয় না যে শাশ শ্বশুর আছে, শাশুড়িকে একটু পাও টাও টিপে দিব, বুড়া লোক একটু করে দিলে ওনারা ভালোভাবে, কিন্তু কিন্তু এইটাই আমি করতে চাই, কিন্তু এত উইক হয়ে গেছি, এত মানে ক্লান্ত হয়ে গেছে শরীর, যে আমি ওইটা করতে পারছি না, এইটা আমাকে খারাপ কর পাতি, ও মুঝে বুড়া লাগতা হ্যায়। ये बातें मेरे दिमाग में घूमती रहती है कि उन्होंने जो वादा शादी से पहले किया था, विवाह के पहले ये मैंने जो वादा किया था उसको इन लोगों ने पूरा नहीं किया। मुझे अकेले अपने पति के साथ रहने देंगे, क्यों पूरा नहीं किया, ठीक है। उन लोगों ने जो ये प्रॉमिस किया था या एग्रीमेंट किया था कि भाई मेरे को अपने पति के साथ अकेले रहने देंगे, उसको क्यों नहीं किया, ये मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहता है, तो ये रेस्ट के मत मतलब बात है हा? और ये सारी बातें बता बता के ना एकदम से बच्चों जैसा रोना, छोटा छोटा बच्चा रोने लगता ना, वो तो नहीं समझता कि भाई कैसे क्या होगा, इस तरह से रोने से क्या होगा, उस तरह का रोने से, वो जब कोई बच्चा बहुत दुख हो जाएगा, मम्मी नहीं मिल रही है, बहुत देर तक मम्मी गायब है, कैसे बच्चा रोने लगता है, एकदम आंसू रोते रोते आंसू सुखा लेना, तो कैसा लगता है, हम कैसा फील करते हैं उस बच्चे को देख के। पीटी का मतलब ये नहीं कि बच्चा दुखी है, हमें कितना दुख पहुँच रहा है, हम कैसा फील करते सामने वाले को देखते। पीटीड बच्चे में नहीं पीटीड होना चाहिए, वो हमारे में पीटीड होना चाहिए कि दुनिया का लोग देखे, कोई भी देख के उस बच्चे पे से ऐसा पीटी फील करना, अरे यार क्या हो रहा है, इस बच्चा इतना क्यों रो रहा है, उफ कितना दुख हो रहा है इस बच्चे को, ये फीलिंग हमें होना चाहिए। बच्चा तो अपना काम कर रहा है या कोई भी अपना काम कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या है, सारी बातें करते समय वो बच्चे की तरह रो रही थी, ये तो कथा वैसे एकदम बच्चे मतन कांचे, ठीक है। इसका रूब्रिक होते वीपिंग चाइल्ड लाइक ए, वीपिंग चाइल्ड लाइक ए, और कंप्लेनिंग पीटीफुल, ठीक है। अच्छा है, सुंदर लड़की है, नया नया शादी होने से तो ठीक ही लगता है, लेकिन ऐसा लग रही थी ना कि अरे यार कितना मतलब एज हो गया इसका, जस्ट 2 साल से टिका हुआ है, तो और सुंदर लगना चाहिए, लेकिन ये बीमारी के कारण, और ये दिमाग में ये बात कि इन लोगों ने इस बात को पूरा क्यों नहीं किया, जब इन लोगों ने प्रॉमिस किया था कि भाई हम दोनों अकेले रहेंगे, घर का कोई नहीं रहेगा, हम जाएंगे गाँव, ऐसा नहीं है कि गाँव नहीं जाएंगे, लेकिन इन लोगों ने उस बात को पूरा नहीं किया, ये चीज इसके दिमाग से निकल नहीं रहा है, ठीक है ना, ठीक है। ये होता है आर्सेनिक, और आगे चलते हैं कि बोलने का बोले वीपिंग चाइल्ड लाइक इन आर वीपिंग चाइल्ड लाइक ए हाँ एक्टर रूपी एंड कंप्लेनिंग की करते से कंप्लेन करते से हाँ की भावे एकदम केंद्र केंद्र रो रो के और आपको उसके ऊपर बहुत दया आने लग जाएगा, इस तरह से पेशेंट आपके सामने आके कंप्लेन ही तो कर रहा है ना, ठीक है इसका। अब यहाँ पे हम लोग का अगर हम इसको सीपिया से कंपेयर करेंगे, है ना, सीपिया से कंप्लेन करेंगे तो फिर वो क्या होगा, वो इनडिफरेंस में चला जाएगा, वो इस तरह से नहीं बोलेगा कि हम भी चाहते हैं करना, ठीक है, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है, सीपिया के मन में रेस्ट कैन नॉट बीन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे इसके सामने इसके दिमाग में जो बात चल रहा है, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि वाई में जाना है, क्यों कर रहा है ये, एक बीमारी क्यों हुआ, फिर जब हम आगे बढ़ेंगे ना तब और समझ में आएगा कि वाई वाई क्या होता है,
एक पेशेंट जो एक रूब्रिक है फास्ट दिया है या रेस्ट करना हो तो वही रेस्ट करना, ठीक है ना, इस चीज को तभी हमें अच्छे से पूरा मेडिसिन के बारे में समझ आएगा। अभी जैसे हम लोग सल्फर कर रहे थे तो बार बार मैं वाई वाई क्यों बोल रहा हूँ, ये रूब्रिक के पीछे का वाई, फिर वो उसमें क्या रूब्रिक लगेगा, है ना, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी यही हो रहा है, रेस्ट करना, क्योंकि इसके दिमाग, इसका दिमाग शांति नहीं हो रहा है कि भाई जो आपने किया था उसको पूरा क्यों नहीं किया। सीपिया का तो ये सब है नहीं, वो लोग मेरे को तंग करते हैं, ऐसा बात करना, मेरे बात नहीं सुनते, ये सब बात करनी, ये तो कंप्लेन उनके सामने कर ही नहीं दे, ये अपनी बीमारी का कंप्लेन कर रही है और थोड़ा सा अपने उन लोगों के बारे, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में है कि नहीं मैं भी करना चाहती हूँ, वो मेरे को भी हेल्प करते, ये भी बात है। सीपिया में क्या हो जाएगा, कोई मेरा साथ नहीं देता है, डिल्यूजन अलोन सीज, इस तरह की बात आ जाती है सीपिया के साथ कि मेरे साथ कोई नहीं देता, मैं इतना मेहनत करके इन लोग के लिए सब कुछ करी, फिर ये लोग मेरे जब मैं बीमार हो गई तो मेरे को कोई देखने तक नहीं आता है, इस तरह की बात होती है, डिल्यूजन अलोन सीज, वहां हेल्पलेस फील होता है, यहाँ भी हेल्पलेस है, लेकिन ये कंप्लेन कर रही है कैसे, रो रो के, सीपिया भी रो रो के कंप्लेन करता है, लेकिन बस गिरे जा रहा है, आपको उसमें उतना पीटी फुल नहीं लगेगा, बस उसका शारीरिक रूप से कमजोर है, इस सब चीज दिखेगी, वहां पैर और कमर दर्द के कारण वो उठ नहीं सकती और कोई काम नहीं कर सकती, मैं शांत रहना चाहता हूँ, मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम में अनस्टॉपेबल ब्लीडिंग होती है, मतलब 15 दिन 10 दिन ऐसे चलता रहता है, उसकी तकलीफ दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और जब जा रही है, मैं अपने घर वालों को बहुत याद करती हूँ, जब भी कोई मेरे घर में आता है तो मुझे दुख होता है, मैंने बाबर बारी तक महाराज क्यों आसे जखन खूब भालो लागे, जब भी कोई घर में आता है तो मुझे दुख होता है, भीतर से तो अच्छा लगता है लेकिन मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ, जब तो अच्छा नहीं लगता, इनसे देख के तो मेरे को बहुत याद आती है, और जब आ जाती है जैसे मम्मी आ जाती है, पापा आ जाते हैं, भाई आ जाते हैं, तो अंदर से मेरे को बहुत खुशी होती है, मैं दुख होता है, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ, अंदर से मुझे खुशी होती है, पर कितने दिनों तक वो मेरे साथ रहेंगे, उन्हें भी तो अपना काम है, ठीक है, ये सब बातें होती है जो हमें एक छोटा सा रूब्रिक एक रूब्रिक देता है कि अपना तकलीफ है फिर भी, लेकिन वो लोग मेरे साथ कितना दिन रहेंगे, उनका भी तो काम है, उनको भी तो अपने काम के लिए जाना होगा, उनका भी घर है, मेरा भाई आ भाभी आ जाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं जब उनके लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ तो मेरे को बहुत दुख होता है, वो लोग आए उनके लिए मैं चाय भी नहीं बना सकती तो कैसा लगेगा, इस तरह से अगर मैं अपने बारे में उन्हें बताऊं तो उन्हें दुख होगा, अगर मैं अपने बारे में अपनी तकलीफ के बारे में उनको बताऊं तो उनको कितना दुख होगा, डॉक्टर साहब आप बताओ, वो लोग भी दुखी होंगे, घर जाएंगे उस समय तो मेरे को थोड़ा सा कंसोल कर देंगे, लेकिन बाद में तो दुखी होते रहेंगे ना, यही होता है केयर अदर्स को, अपनी तकलीफ को साइड कर देना और दूसरे की चिंता करने लगना, ठीक है, इतना तकलीफ में भी दूसरों का, अपने घर वालों का, अपनी माँ का चिंता करना, ये दिस इज केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट, ठीक है सर, और वह एक अलग से मेरे लिए परेशानी होगी, माइनोरली कैसे माइनोरली पेशेंट निजे मतलब वक्तव्यता दाय मन की छोटे से उल्टा बोले, पर कितने दिनों तक मेरे साथ रहेंगे, उन्हें भी तो अपना काम है, अगर मैं अपने बारे में उन्हें बताऊं तो उन्हें दुख होगा, वह एक अलग से मेरे लिए परेशानी होगी,
हमेशा मेरे पास कोई रहे। अभी इसका इच्छा क्या है, कंसर्न, एडॉप्टेशन है, रिएक्शन, ये चीज हमें हमेशा दिमाग में बैठा के रखना। क्या कंसर्न ले क्या है इसको, ये जो ब्लीडिंग हो रहा है कंटिन्यूअस, और क्यों हो रहा है वो ब्लीडिंग, ये रेस्ट है ना व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर, ये कंसर्न लेके आपके पास पेशेंट। और एडॉप्टेशन क्या है, उस समय क्या करने से अच्छा लगता है, ये पूछना है ना पेशेंट से कि आप कैसे मैनेज कर, ठीक है, ऐसा नहीं पूछना कि आपको कैसे अच्छा लगता है, जैसे जो पेशेंट जैसे भाषा में समझे उसको ऐसे पूछना है कि आप कैसे मैनेज करते हैं, पढ़ा लिखा है तो उसको इस तरह से पूछना है, या आपको क्या करने से अच्छा लगता है, ये हो गया एडॉप्टेशन उसका। हमेशा मेरे पास कोई रहे, मेरे हस्बैंड या पड़ोस का कोई, ठीक है, यहाँ पे देखिए अच्छा रूब्रिक है, ये सब हम जब रिपर्टरी पढ़ते रहेंगे ना तो हमें वो रूब्रिक मिल जाए, ठीक है, तो कौन रहे हमारे साथ, हस्बैंड या पड़ोस का कोई आदमी आके रहे, घर वाले, सास ससुर या देवर, ये मेरे पास ना बैठे, क्यों नहीं बैठे भाई, वही, ठीक है ना, यही है क्लिंगिंग ग्रास्प एट अदर और कैरी डिजायर टू बी कैरीड, माने लोग बैठते हैं तो बातें उतें करने में मेरे को अच्छा लगता है, तो क्या होता है दुख तकलीफ थोड़ी देर के लिए भूल जाती हूँ, तो वो कैरी हुआ मेंटली कहाँ, थोड़ा सा एमिलरीज होता है हमारा उनके साथ बात उत करने में, वहाँ के बैठते तो घर वाले क्यों नहीं, उसके लिए रूबरी है कंपनी अवर्सन टू, देखो कंपनी अवर्सन टू मीटिंग फ्रेंड्स व्हेन ही इमेजिन ही हैज ऑफेंडेड टू To meet meeting friends whom he imagine he has offended, जैसे क्या सास ससुर बिना जो प्रॉमिस किया था, है ना, वो लोग वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर रहा है, तो उनके उसके लिए क्या है, उन लोगों ने अपना वादा तोड़ा, मतलब क्या है मेरे मेरा जो वो उन लोगों ने अपना किया ऑफेंड किया ना, है ना, ये लोग मेरे मतलब मेरे हिसाब मेरे जो वादा के खिलाफ हो गए, ऑफेंड किया ना, उन्होंने वो वादा नहीं निभाया, जो प्रॉमिस किया था वो नहीं निभाया, तो ये है कंपनी उनको नहीं चाहिए, वो लोग नहीं बैठे मेरे साथ जब मेरे को तकलीफ होती है, मेरा हस्बैंड और अड़ोस पड़ोस में जो लोग रहते हैं वो लोग आके मेरे पास बैठे तो मेरे को अच्छा लगता है, ये लोग बैठते हैं तो मेरे को अच्छा, मैं नहीं इनका कंपनी चाहती, इनके साथ नहीं बैठे, ये लोग मेरे पास ना बैठे, तो ये कंपनी वर्सन टू, देखो ये रूब्रिक था, अच्छा सो कंपनी वर्सन टू मीटिंग मीटिंग एम ई टी आई एन जी मीटिंग फ्रेंड्स रिपोर्टरी ना है सामने, कंपनी अवर्सन टू मीटिंग फ्रेंड्स हूम ही इमेजिन ही हैज ऑफेंडेड टू, আপনারা এটা মিনিংটা নিয়ে না একটা একটা ওয়ার্ডের মিনিং যখন মানে ব্রেক করে দেখবেন তাহলে বুঝে যাবেন এই রূপটা, যে আমি বললাম যে কার কোম্পানি চায়, হাজবেন্ড না হলে আশেপাশের লোক, আমার বাড়ির লোক না, মানে শাশ শ্বশুর দেওর এই ওরা, আমার ভালো লাগে না ওর কোম্পানিটা, কেন ওই কথাটা আবার মাথায় চলে আসে কি এরা অফেন্ড করেছে, এরা প্রমিস প্রমিস ব্রেক করেছে, প্রমিস ভাঙেছে, এই এইসবগুলোটা আবার মাথায় চলে আসে, তো অ্যামলিগেশন হয় না, ক্যারিড হয় না, হাজবেন্ড থাকলে একটু হাতে একটু আদর করে দেবে, আশেপাশের লোক একটু ভালো কথা বলবে, ওইটাই নেই, ওরা তো অফেন্ড করে নাই, এরা অফেন্ড করেছে, এই মিনিংটা হচ্ছে ওই রূপরে, ঠিক আছে, থোড়া পড়েগা না তো সমঝ মে আনে লাগ যায়গা সব কিছু। তকলিফ কে সময় মে আপনে সসুরাল বালোঁ কো দেখনা নেই চাহতি, ঠিক আছে, তকলিফ কে সময় মে বহুত চিড়চিড়ি অর ইমপেশেন্স হো জাতি হুঁ, আপ মুঝে ঠিক কর দেন সো মে আপনে ঘর কা কাম কর সকুঁ,
बाद में ये जो मैं एकदम से शरीर कमजोर हो गया है, लेथार्जिक हो गई हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ, इससे मेरे को निकाल दो, इस ये वाला ठीक कर दो, बाकी मैं बाद में देखेंगे कि मेरा और क्या क्या ठीक होना है, क्योंकि मैं तो बहुत ही ज्यादा कुछ ना कुछ बीमारी लगाई है मेरी। ठीक है, बाद में आपसे पूरा इलाज करवाऊंगा, आप मुझे ठीक कर दे सो मैं अपने घर का काम कर सकूं, बाद में आपसे पूरा इलाज करवाऊंगा, मतलब जो मैं घर का काम नहीं कर पा रही वो आप ऐसा कर ले कि मैं घर का काम करने लायक हो जाऊं, बाद में धीरे धीरे मेरा चलता रहेगा आपके साथ इलाज। ठीक है, रेस्ट कैन नॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर, इतना रूबरी टॉकिंग बिजनेस ऑफ घर का काम करना है, आप मेरे को ठीक कर दे, मेरा काम है घर की देखभाल करना, उसका बिजनेस क्या है, घर का देखभाल करना, सबका देखभाल करना, और इनडिफरेंस रिकवरी अबाउट हिज। ठीक है, पहले मेरे को ऐसा कर दीजिए कि मैं अपने घर का काम कर सकूं, बाद में मैं बाकी काम आप मेरा बाकी इलाज कर दीजिएगा, धीरे धीरे मेरे को ठीक कर दीजिए, अभी फिलहाल मेरे को ऐसा कर। वीपिंग चाइल्ड लाइक है, हेल्पलेसनेस फीलिंग, फास्ट टीडियस, कैरी डिजायर टू बी कैरीड फास्ट, 2 साल हो गया एकदम परेशान हूं मैं। ठीक है ना, और हाइडिंग हिमसेल्फ फियर ऑन अकाउंट ऑफ, मतलब क्या ये रूब्रिक कहाँ लगेगा, हाइडिंग हिमसेल्फ फियर ऑन अकाउंट ऑफ। ठीक है, एक तो मतलब अपना मतलब हस्बैंड को कंप्लेन नहीं करना या घर वालों को कंप्लेन नहीं करना है, और दूसरा कैसे रोती है ये, अपनी ऐसे मुंह बंद करके रोती है या तकिया में मुंह घुसा के रोती है, क्यों, अगर कोई सुन लिया तो बोलेगा क्यों रोती रहती है बार बार, अपना मेरे हस्बैंड को बता देगा, तो ये कहीं उल्टा ना हो जाए कि ये दिन भर रोती रहती है, जोर जोर से रोती है, आस पड़ोस के लोग सुनते हैं, तो यही है हाइडिंग हिमसेल्फ फियर ऑन अकाउंट ऑफ। ठीक है ना, होता है ना, कैसे कैसे, मान लो छोटा बच्चा है, अब कुछ गलती किया है तो क्या करेगा, अब उसको पता है मम्मी पिटाई करेगी, कुछ तोड़ फोड़ दिया है, मम्मी पिटाई करेगी तो क्या करेगा, कहीं जाके छुप जाएगा, होता है ना, कहीं जाके छुप जाएगा, तो उसी तरह से ये अपना रोना को कैसे छुपाती है, तकिया में मुंह ऐसे घुसा के रोती है या मुंह को बंद करके ऐसे रोती है, क्यों, ये कोई कुछ उल्टा ना हो जाए, अगर कोई सुन लेगा, ये डर है ना मन में, तो अपने आप को छुपाना, हाइड करना, अपने मन की बात को भी हाइड करना, कि अगर मैं बोल दूंगी ये सब बात कि आप लोगों ने ऐसे बोला था कि भाई शादी के बाद विवाह के बाद हम लोग खाली आप दोनों एक साथ रहना, बाकी हम लोग अपने गांव में रहेंगे, है ना, अगर मैं ये बात बोल दूँ तो बोल दूंगी तो कहीं उल्टा ना हो जाए, तो ये हाइडिंग हिमसेल्फ फियर ऑन अकाउंट। ठीक है, जैसे बच्चा है ना, तो कुछ गलती करता है तो कैसे छुपता है, किस लिए छुपता है वो, ये पिटाई होगा और, ठीक है ना, और जो मेरे को डांट पड़ेगी, इसलिए छुपा रहता है, तो मम्मी को जब पता लग जाता है कि हाँ कुछ किया गड़बड़ तो पूछेगी मम्मी, जरूर पूछेगी। तो एलिमेंट फ्रॉम अनहैप्पीनेस, एलिमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, खुश नहीं है पहले दिन से ये शादी, ठीक है ना, क्यों जी भाई, क्यों खुश नहीं है, ये बात हमें बार बार दिमाग में रहना है, क्यों क्यों नहीं है ये सब, क्यों इसके साथ ये हो रहा है, तो यहाँ भी ऐसा है, एलिमेंट फ्रॉम अनहैप्पीनेस कैसे शुरुआत हो, यू रेस्ट कैन नॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर। ठीक है, ये केस को हम कैसे समझ, प्रॉपर ऑर्डर क्या होता है ना, यहाँ पर इस शब्द का सबसे ज्यादा महत्व है, ये आर्सेनिक के लिए ना, ये प्रॉपर ऑर्डर जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर किसी तरह की भी अव्यवस्था प्रॉपर वे में नहीं हो रहा ना, किसी तरह का भी छोटा से छोटा अव्यवस्था आर्सेनिक को परेशान करता, तो
थोड़ा सा भी, जैसे कोई भी चीज ऐसे यहाँ रखा है, एक कप, एक कप है, तो कप आपने यही क्यों रखा है, इसको थोड़ा इधर हटा के रखो ना, प्रॉपर जगह में रखो। ग्लास है या किचन में सामान है, थोड़ा सा इसको गंदा क्यों कर दो, चूल्हा साफ रहना चाहिए हमेशा, उसको पोंछ के साफ रखा करो, गंदा मत किया। ठीक है, तो अव्यवस्था किसी तरह की अव्यवस्था लाइफ के साथ हो, या घर के बिस्तर पे हो, बुक्स का रखना हो, टेबल हो, अलमीरा हो, उसमें सब चीज एक व्यवस्था में रहना चाहिए, यही है प्रॉपर ऑर्डर का मीनिंग। ठीक है, अगर किसी तरह की भी अव्यवस्था हो तो उसके मन की शांति को भंग करता है। ठीक है, अभी मेरे माँ को ना कुछ तकलीफ हुआ, मैं 90 साल की हो गई है माँ, वो मेरे को फोन करके बोल रही है कि देखो मेरे को ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, ऐसे करके मन ऐसा दवाई दो ना कि थोड़ा सा मन को शांति मिले। ठीक है, ये नक्स का नहीं है शांति, उसका अंदर से बोलेगा, अंदर में सब गड़बड़ चल रहा है, नहीं बाहर से शांति होना चाहिए, बाहर में सब चीज। ये मेरे को देखो रात में पेशाब के लिए 8 बार 10 बार जाना पड़ता है, और मतलब अनकंट्रोलेबल हो जाता है, इस तरह से मेरे मामले, तो मैंने आर्सेनिक किया, उसके बाद से मां का थोड़ा आराम है। अब 90 साल में कितना आराम हो गया, फिर भी बहुत आराम है, यहाँ तक कि उसे सब कुछ सही ना हो जाए तो वो सोता या आराम भी नहीं करता है, जब तक पूरी चीजें सही ढंग से नहीं हो जाए, प्रॉपर ऑर्डर में नहीं हो जाए, तब तक वो इवन ही विल नॉट टेक रेस्ट, इवन सोने नहीं जाएगा, जब तक कि उसको सही ढंग से रख रख के सब जगह जो चीज जहां होना चाहिए वो सब कुछ अरेंज करके रखने के बाद सोने के लिए। इसलिए आप देखेंगे कभी कभी कोई कोई घर में लेडीज लोग जो होती है ना, कोई कोई तो छोड़ देगी, चलो बिस्तर गंदा सुबह धो लेंगे बर्तन, या जैसे तैसे पड़ा है वो कर ले, छोड़ छाड़ के आ जाएगा, चलो सोने जा रहे, थक गई हूँ बहुत दिन भर काम करते करते, तो अभी जरा सो लेते, कल सुबह देखेंगे। लेकिन जो आर्सेनिक का पेशेंट होगा, जिसको वो कभी भी अपना घर को मेस करके नहीं छोड़े, इवन थोड़ा सा धूल भी है ना, उसको दिख गया धूल है तो उसको साफ कर, बिना उसको साफ किए वो बैठ ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये चीज, रेस्ट कैन नॉट बेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर। सर बोलते अनहैप्पीनेस এখানে তো আর্সেনিক নেই কিন্তু নেই সিনথেসিস না কার্সিনোসিন কস্টিকাম আর হচ্ছে নেট্রামিউরাস ওই এ কমপ্লিট রিপার্টি কমপ্লিট তে দেখেন ঠিক আছে হবে কোথাও তো হবে তাই তো আমি লিখেছি जब तक उसे सब कुछ सही ना हो जाए तो सोता या आराम भी नहीं करता, यहाँ तक कि खाना भी नहीं खाता, जब तक कि वो चीजों को सही ढंग से, खाली अरेंज नहीं करना है, प्रॉपर वे में अरेंज करना है, तब तक वो खाना भी नहीं खाए, अपने आसपास किसी तरह की अव्यवस्था या गंदगी वो नहीं चाहता। ठीक है, माने कैसे भी आप इसको खुश नहीं रख सकते, हार्ड टू प्लीज, है ना, फास्टिडियस का मतलब इसका क्या है, हार्ड टू प्लीज। अब जब तक आप कितना ही बोलते रहने दे यार, कहाँ कुछ गंदा दिख रहा है, जब तक वो अपने हाथ से उसको साफ नहीं कर लेगा, अच्छे से नहीं रख देगा, उसको चैन नहीं है। जहां पर सारी वस्तु रहनी चाहिए वहीं पर रहनी चाहिए, उस जगह से अलग नहीं रहना चाहिए, ये सोच ना केवल या दूसरों की बातें ही, पर जिंदगी की सारी व्यवस्था अपनी अपनी जगह पे सही रूप में होना चाहिए। ठीक है, ना केवल या दूसरी तरह की बात भी नहीं, जिंदगी की भी सारी व्यवस्था, मतलब लाइफ का भी जो है ना एक व्यवस्थित ढंग से चलना चाहिए।
ये नहीं कि जैसे जैसे अरे लाइफ चल रहा है, नहीं आज मतलब इस तरह से हमें आज का काम करना है तो आज का काम करना है, लाइफ में एक गोल बनाना है उसको अचीव करना है तो कैसे अचीव करना है। अव्यवस्था नहीं होना चाहिए, व्यवस्था अपनी जगह पे सही रूप में होनी चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य हो, सामाजिक हेल्थ हो, सोशल रिलेशन हो, या अपने काम की बात हो, जो वो काम करता है वो ऑफिस में भी। आर्सेनिक का पेशेंट का आप कहीं किसी ऑफिस में जाएंगे तो टेबल वगैरह देखेंगे, जनरली गवर्नमेंट हॉस्पिटल इसमें ऐसा होता है, अगर वहाँ कोई आर्सेनिक वाला मिल गया तब तो आप उसका टेबल वेबल देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये आर्सेनिक का पेशेंट है, इसका कोई ऐसा आदमी है जो आर्सेनिक वाला आदमी है, ये उसका टेबल है, वो देखने से समझ में आ जाएगा, हर चीज प्रॉपरली रहेगा, ठीक है ना। सारी बातें, सारी व्यवस्था एकदम सही ढंग से होनी चाहिए, ठीक है। आर्सेनिक का व्यक्ति अपनी अवस्था ऐसी बना लेता है जैसे वो प्रेत बाधा से ग्रस्त है, ठीक है। मतलब क्या है? भूत पकड़ लिया ऐसा, मतलब लोगों को लगेगा अरे यार ये कैसे है, आप परेशान हो जाओ, आसपास का लोग ना उसको देख के अरे यार उससे भागा रहेगा। हमारा एक बहुत सीनियर ऑफिसर था जब मैं एयरफोर्स में था, ठीक है, तो वो हम लोग का ड्यूटी तो ऐसे 24 आवर्स होता है, लेकिन हम लोग शिफ्ट में काम करते हैं, लेकिन उनका क्या जैसे कुछ खराब होता था, हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है वो खराब होता था, तो जिस समय खराब हुआ, रात का अगर 1 बज रहा है, 12 बज रहा है, 3 बज रहा है, है ना, कि कभी भी वो टक से फोन आ जाए भाई चलो ये खराब है, ठीक है, और उसको जब तक वो रिपेयर नहीं हो जाएगा या वो सही नहीं हो जाएगा वो सिस्टम छोड़ेगा, वो करना है। हम लोग भाई एग्रीमेंट वैसा ही एग्रीमेंट है, कभी भी हमको बुलाया जा सकता है, हमको ड्यूटी पे आना पड़ेगा, तो हम चले जाते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन बाकी लोग जैसे बोलते थे, हम तो उतना उसको फील नहीं करते थे भाई, जब आपने साइन किया हुआ 24 घंटा के लिए, सब लोग बोलते थे यार सुबह भी तो हम लोग ठीक कर लेते, ये साला रात में 1 बजे 2 बजे 3 बजे जाने का क्या दुख है, रात में तो ड्यूटी, अभी तो शाम में ड्यूटी करके आया, 8 बजे तो घर ही आया हूँ, उसके बाद काफी के सो रहा था और फोन आ गया घर वाले भी, तो ये चीज वो लोग हम लोग ऐसे बोलते थे, उसमें कुछ लोग इस तरह से बोलते थे अरे यार इसने तो चेयर पे ही कैंडल लगा रखा है, कैंडल को जला के रख दिया है कि आप बैठ भी नहीं सकते हो चेयर, मतलब क्या कि आपको रेस्ट करने नहीं दे रहा है ना, आप थोड़ा सा अपना शरीर को रेस्ट में लाना चाहते हो, नहीं सो रहे हैं उठा के जबरदस्ती ले आया, खुद भी आ जाएगा, ऐसा नहीं कि मुंह नहीं आएगा, खुद भी आ जाएगा, केवल हम ही लोग जा रहे हैं, नहीं खुद भी आए, तो ये सारी बातें अब ध्यान में आता है कि आर्सेनिक का आदमी कैसा होता है, ठीक है। तो आर्सेनिक का व्यक्ति अपनी अवस्था ऐसी बना देता है जैसे कि वो प्रेत बाधा से ग्रस्त है, मतलब भूत पकड़ा हुआ उसको, एकदम से लोगों के पीछे पड़ जाएगा, मतलब ये कि उसके काम में किसी तरह की कमी या बाधा वो बर्दाश्त नहीं करता, ठीक है। सफाई के लिए वो बहुत ही ज्यादा चिंतित रहता है, उसे थोड़ी सी भी धूल अच्छी नहीं लगती, घर में यदि थोड़ी सी धूल हो तो पहले उसे साफ करना, भले ही उसकी अवस्था कैसी भी हो, कितना भी थका हो, ठीक है, बाहर ऑफिस से आया थका हुआ है भाई, सुबह का गया हुआ है कुछ काम, कितना भी मेहनत, बहुत मेहनती एक तो होता ही है, उसके बाद उतना थकान में भी जब देखेगा कि घर में ये बर्तन इधर वो कपड़ा उधर ऐसा वैसा और टेबल एकदम गंदा सा पड़ा, पहले वो सबको ठीक करेगा, उसके बाद रेस्ट करना या चाय पीना है, वो पहले चाय नहीं पिएगा कि भाई अच्छा पहले चाय पी लेता हूँ फिर करूँगा, ऐसा नहीं है आर्सेनिक के साथ। ये सब चीज आप अपने घर में भी देख सकते हो या आसपास के लोगों में भी देख सकते हो, ठीक है ना। एक यूट्रिन प्रोलैप्स का एक केस है, द पेशेंट हैज बीन लिविंग इन ए डबल स्टोरी बिल्डिंग, शी लिव्ड ऑन फर्स्ट फ्लोर, शी एक्सप्लेन्ड दैट शी वर्क्स बिफोर मेंसेस स्टार्ट वेरी हार्ड। उसका क्या होता था ना, यूट्रिन प्रोलैप्स है,
ब्लीडिंग से पहले मतलब वो जब मेंस्ट्रुअल पीरियड शुरू होगा उससे पहले ही 2-3 दिन पहले इतना मेहनत करके वो सारी चीजें जो जो जरूरत है किचन में से लेके घर का साफ सफाई वो सब कुछ करके वो पूरा उसका दो तल्ला घर है उसमें वो फर्स्ट फ्लोर पे रखती है, फिर ऊपर से जाके वो सब ऊपर का भी अरेंज करना, किचन को भी अरेंज करके रखना कि फिर ये जब मतलब ये गड़बड़ ना हो जाए। तो 3 दिन पहले तक वो भयंकर रूप से काम करती है, बहुत मेहनत करके सब चीज को अरेंज करके रखती है। तो पूछा कि भाई ऐसे आप क्यों करते हो? बिकॉज शी टोल्ड शी हैज टू बी इन बेड फॉर 3-4 डेज। इतना पेन होता है कि मेरे को 3-4 दिन तक बेड में रहना है, इसलिए मैं पहले ही सारा काम निपटा के रख देती कि घर वालों को या मेरे को दिक्कत ना हो, क्योंकि अब मैं तो कर नहीं पाऊंगी, इसीलिए मैं ये सारा काम पहले ही कर देती। ठीक है, आई ट्राई टू फिनिश बिफोर दैट टाइम कम्स विच एग्रेवेट्स हर प्रॉब्लम वेरी मच। डॉक्टर आस्क हर व्हाई कांट यू डू दैट आफ्टर द मेंसेस इज ओवर। ना हमने देखो यही कथाटा मैंने मैंने जीवस को रख दो कि भाई पढ़े कोरे नहीं हो बोलचे। शी टोल्ड दैट शी कैनॉट बी एट बेड इफ द थिंग्स आर अनफिनिश्ड। ठीक है, आई कैन स्टॉप ईटिंग, आई कैन स्टॉप माई वर्क, बट आई कैनॉट लेट माई हाउस डर्ट। मतलब ये आप आगे हम लोग और देखेंगे। इसी तरह से सामाजिक संबंधों के बारे में भी ये जो पेशेंट है जिसका भी मेंसेस इतना ज्यादा हो रहा है का पेशेंट भी मानसिक रूप से परेशान रहती थी, क्योंकि इतना बड़ा परिवार ने अपनी प्रॉमिस को जो उन्होंने शादी से पहले विवाह से पहले किया था उसको फुलफिल नहीं किया। ठीक है, उसे नहीं निभाया। और दूसरी बात, वह अपने घर का भी काम नहीं कर पाती थी। साथ साथ उसे अंदर से दुख होता था कि वो अपने घर वालों की सेवा भी नहीं कर पाती थी। यही सब बातें उसके आजादी और मानसिक शांति को छीन रहा था, इसलिए वो असहाय होकर रोती थी। ठीक है ना, एक केस और बताता हूँ, वो ब्रेस्ट कैंसर। যখন আমি গেছি একটু ভালো মতন ওই মহিলা বসেছিল, আনম্যারিড, 55 ইয়ার্স, কিন্তু ওই সময় মানে আনম্যারিড লেডি অ্যান্ড এজ ইজ 55, চুলগুলো বড় বড় একদম কালো চুল, হ্যাঁ ঠিকঠিক সুন্দর লাগে, মানে যখন যাং ছিল কত সুন্দর হবে ওটা পাওয়া যায়। আর কিরকম ওরা নিজেই মানে মেনটেন করে রেখেছে, যখন দেখতে গেলাম বিছনার উপর বসেছিল, বাল টুল একদম খুলে সর্বোজ দিন ধোকে পতা থা কি মেয়ে আউঙ্গা ডক্টর আয়েগা দেখনে কে লিয়ে মেরে একদম সে বড়িয়া উসকা বিস্তর মে কহীন আপ এক ক্রিজ নেই নিকাল সকতে আর রুম কো ভি এসা চকাচক ও জিস রুম মে রহতি হ্যায় একদম সে সাফ সাফ কহীন ভি আপকো গন্দা নেই দিখেগা। मैं गया और पूछा, दीदी कैमन आसें? एकदम सोजा कथा जो जिज्ञेस कर लम, दीदी कैमन आसें? 10-12 বছর 15 বছর আগের কথা বলছে কি ডাক্তার বাবু আমি মরতে চাই, এরকম বলছে একদম ডাইরেক্ট, কিচ্ছু বলে নাই, বলে আমি মরতে চাই, আপনার কাছে কোনো মেডিসিন আছে, মরার মেডিসিন আছে কোনো, এরকম এই দুটা সেন্টেন্স বলেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, দিদি কেন এই মরতে কেন চা? বলছে কি ডাক্তারবাবু মানে এত ব্যথা হলে কি কেউ বসতে চায়? বাস এই তিনটে সেন্টেন্সের উপরে আমি ওষুধ দিয়েছি। ঠিক আছে, তাহলে কি কি নিলাম? কিল্ড ডিজায়ার টু বি, একদম দু মানে তিনটে সেন্টেন্স বাস, কিল্ড ডিজায়ার টু বি। ঠিক
কেন কিল ডিজায়ার টু বি, এইসব এই কথাটা আমি বোঝাতে চাচ্ছি সবাইকে। আরেকটা যে ক্লাস আছে ওইখানেও আমি এইটাই বল, এখন ওরা বুঝে গেছে কি ওয়াই, ওয়াই কেন, সব রুব্রিকের পিছে আমাকে ওয়াই লাগাতে হবে, ঠিক আছে, কিল ডিজায়ার টু বি ওয়াই, ঠিক আছে না, ঠিক আছে, প্রে করতে সেই কি আমাকে মেরে ফেলেন, হ্যাঁ ওয়াই, কেন ডিসপেয়ার হয়ে গেছে, খুব পয়সাওয়ালা লোক, সব ট্রিটমেন্ট হয়ে গেছে ওর, বুঝলাম, ফুটা হয়ে গেছে, কেমোথেরাপি সব কিছু হয়ে গেছে, খুব পয়সাওয়ালা লোক, চেন্নাই হায়দ্রাবাদ ব্যাঙ্গালোর মুম্বাই সব হয়ে গেছে, এখন ওই বুঝে গেছে যে আর আমার কোনো এলাজ নেই, Why she wants to kill herself, not to kill herself, to be killed by someone else, and how, not by cutting, ye kar do ya hang kar do, ऐसा नहीं, आपके पास कोई मेडिसिन है क्या जो मेरे को मार दे, ठीक है, इतना दर्द में कोई जीना चाहेगा, क्यों जीते, मैंने थकते चाहे तो बताओ ले, क्यों बाँचते चाहे डॉक्टर बाबू, देखो ताले डिस्पेयर रिकवरी ऑफ वियरी ऑफ लाइफ, हाँ पेन फ्रॉम वियरी ऑफ लाइफ, वो तो बैठा होले क्यों मैंने बाँचते चाहे डॉक्टर बाबू, यही बैठा नहीं है क्यों बाँचते चाहे, वियरी ऑफ लाइफ pain from, ঠিক আছে, and suicidal disposition poison by, আপনার কাছে কোনো এরকম মেডিসিন আছে যে আমি ওইটা খেয়ে মরে যাই, আমি ওখানে আর্সেনিক দিয়েছিলাম, আবার ছোটো মানে ছোটো ভাই আসলো না, ও আমাকে আবার নিয়ে গেলো, বলো ডাক্তারবাবু চলেন না একবার দেখে নেবেন, তাহলে আমি গেছি আছে এখান থেকে 15-16 কিলোমিটার হবে, তাহলে ওখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম দিদি কেমন আছেন, তো বলছে ঠিক আছে বলছে, তাহলে আমি জাস্ট এইটা কথাটা মনটা শান্ত হলো হলো না, আমি জিজ্ঞেস করলাম যে আপনি কালকে বলছিলেন যে ওষুধ দিয়ে দাও যে আমি মরে যাই, বলছে ডাক্তারবাবু যদি ব্যথা না হয় কে মরতে চায়, ঠিক আছে ব্যথা তো হচ্ছে না, আমি ঠিক আছে বলছি, এইরকম আমরা কেস গুলো নিব, ঠিক আছে, এরকম করতে হবে, ঠিক আছে, চলো আজকে তাই, এখন অনেক চলবে 3-4 দিন, খুব ভালো মতন বুঝাই দেবো আর্সেনিক, ঠিক আছে কলিতা দা, স্যার ওয়েরি অফ লাইফ পেইন ফর্ম, হ্যাঁ কলিতা দা, হ্যাঁ ঠিকই আছে কলিতা, হ্যাঁ ঠিক আছে না, ঠিক চল রা না, খালি এই যে ইয়ে রুব্রিকটা ভালো করে আবার বুঝাইতে লাগবো, কোনটা এই রেস্ট ইন প্রপারনেস, হ্যাঁ ওই এই যে রেস্ট ইন প্রপারনেস, হ্যাঁ কিউ নেই হ্যায় ইসকা ক্যা দে আলাদা দুসরা দুসরা পেশেন্ট কা एग्जांपल লেকে না, হ্যাঁ আচ্ছা সমঝানো চাচ্ছি, হ্যাঁ চন্দা দাও ঠিক আছে, अभी बहुत सारा आएगा, बहुत बहुत पेशेंट है मेरे पास, ठीक है, बहुत है करेंगे हम, और फास्टिडियस का भी कारण बताएंगे क्यों फास्टिडियस होता है, हर रूबी के पीछे वाई लगाइए, मतलब जरा से, हाँ जैसे देख वो तो सारा जल पेशेंट तो देखता ही हूँ, हाँ बोलते हैं तो जरा सा और मतलब ये फास्टिडियस का रहता ही है, वो मतलब क्यों फास्टिडियस रहता है, कोई सा क्यों फास्टिडियस है, क्योंकि सारा से दिस इज एक मतलब तरीका से ऑर्डरली काम करने से उसको काम एकॉम्प्लिश हो जाएगा जल्दी, इसलिए वो ऐसा करता है क्या, और देखिए नक्श के साथ इसको कंपेयर करेंगे ना तो और समझ में आएगा कि फास्टिडियस क्या है, नक्श का फास्टिडियस अंदर से होता है, ठीक है, अंदर से मन से, आर्सेनिक का बाहर से सब कुछ भूल नहीं होना चाहिए वहां, ठीक है, वो बर्तन सब ऐसे रहना चाहिए, कपड़ा ऐसे रहना चाहिए, ये बाहर बाहर से जो दिखने वाला चीज है, और नक्श को शांति चाहिए, लॉन्गिंग फॉर रिपोज एंड ट्रांसफर, ठीक है ना, तो ये चीज जब धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे ना
तो एक वेस्ट कमेंट बिन थिंग्स आर व्हाई दिस इज क्यों हो रहा है, क्योंकि जो प्रॉमिस हुआ था वो पूरा नहीं हो रहा है, इसीलिए रेस्ट कैन नॉट है, मन शांत नहीं हो रहा है, ठीक है, ठीक है ना, स्कूल टाइम, स्कूल टाइम, यस, का भी स्कूल टाइम, चलिए अभी बंद करते हैं। Thank you.